डॉक्टर बनाती हूँ या फिर कुछ ऐसा बनाती हूँ कि वो अपना नाम रोशन करे, मगर मजबूरियों के तहत एक ऐसी दुकान में काम कर रहा जहाँ 5,000 भी नहीं मिल रहे, तो ऐसी माँ की तकलीफ क्या होगी, ये दिल क्या बोल रहा होगा माँ का कि मेरा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में पूरी जिम्मेदारियां ले लेके ये कर रहा। आप लोग पैसा रख ले के हम कुछ नहीं कर सकते, पैसों को कौम की लोगों के लिए इस्तेमाल करिए, सपोर्ट करिए और जो आगे बढ़ रहा है उसका भी सपोर्ट करिए। हम सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए काम कर रहे, कौम के लिए आगे बढ़ना, कौम के लिए काम करना हमारा फर्ज है, हमको ये चीज करना चाहिए। अगर हम कौम को साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे। अरे सबसे आज के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी क्या मांगे अल्लाह से, या अल्लाह मेरी उम्मत उम्मत उम्मत। तो आज हम वो नबी के उम्मत ही होते पर भी हम हमारे कौम का दर्द नहीं रख रहे। अल्लाह चाहे तो नबी को हम बहुत सारी चीजें दे सकते, सोने के पहाड़ दे सकते थे, नबी चाहे तो क्या नहीं मांग सकते थे, मगर मेरे नबी ने मांगा कि मेरी उम्मत का क्या होगा। तो आप एक छोटी सी चीज के लिए एहसास करिए कि हम जिस नबी की उम्मत ही है, आज हमारे वो उम्मतियों को, वो हमारी कौम को कितनी तकलीफें हैं। अगर छोटा सा दर्द भी हम महसूस कर लेंगे ना, तो हम उम्मती होने पे हमें फख्र महसूस होगा, मुसलमान होने पे फख्र महसूस होगा। आपकी बेटी जज़ाकअल्लाह खैर, आना तबस्सुम।